तरह की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है, सनराइज हुआ नहीं है एंड गोइंग टू कैलाश गिरी। वाइजैक में आऊँ तो कैलाश गिरी इज वन ऑफ द की विजिटिंग पॉइंट्स। तो अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, तो 6 o'clock उसका रोपवे है, वो ओपन होता है, तो ट्राई करते हैं कि सुबह सुबह ही वो विजिट करेंगे। अभी देखते हैं लक कितना फेवर करता है। चलो कैलाश गिरी के बस तक ज़रा वाइजैक की रोड्स इंजॉय करो। व्यू ब्लॉक हो रहे कैलाश गिरी, फाइनली जूम करके बढ़िया से दिखाता हूँ कैलाश गिरी को। बड़े से बहुत सारे पेड़ पेड़ आ गए हैं, आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ कैलाश गिरी। तो इस माउंटेन के ऊपर हमको जाना है कैलाश गिरी के ऊपर। मैं अभी इतना दूर हूँ, जब मैं पास पहुंचूंगा तो इसके ऊपर रहूंगा एकदम, वो देख सकते कैलाश गिरी, तो वहां पे चल के मिलेंगे। अब बहुत मजेदार जर्नी है कैलाश गिरी, क्या अच्छा व्यू आ रहा है। अभी प्रॉपर सनराइज हुआ नहीं है तो जो बोलते ना कोल्ड ब्रीज बहुत अच्छी आ रही है, तो चलो मेरे साथ चलते रहिए और देखते हैं बढ़िया से एक अमेजिंग चीजें दिखेंगी आज। सीन कुछ ऐसा हो गया कि मैं आया था ऋषिकुंडा की रोप वे देखने, बट गूगल पे दिखा रहा था 6 AM, बट बात ये होगी कि जब यहाँ आया तो पता चला कि भाई ये तो 11 बजे खुलता है। तो सुबह सुबह उठ के हो गया मेरा काम भाई, इसलिए ना गूगल की हर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, आज पता चला। मैं लिटरली सुबह 5 बजे उठ के आया कि मुझे वो हिल पॉइंट से सनराइज़ देखना था, वो तो हुआ नहीं। और 11 o'clock अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज अभी बहुत गर्मी हो जाएगी 11 बजे। तो मेरे पास ही यहाँ पे एक आर के बीच है, आर के बीच पे सनराइज़ वगैरह देख के कुछ नहीं करने का, नाश्ता करने का, रूम में जाकर फिर सो जाने का है, फिर उठने का है। तो देर आई टोल्ड यू एक एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है, और आई गेस ये तो मैं शायद शाम को कवर आऊँगा वापस, आई होप फुली। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है तो प्रॉबेबली वहाँ जाऊँगा। तो मिलते हैं, अभी सनराइज़ प्रॉपर हुआ नहीं, रोशनी आई है बट सन जो निकलता है ना वो आया नहीं है, तो वो आने के लिए वेट करते हैं। प्रॉबेबली मैं पहुंच जाऊंगा सनराइज़ तक, तो चलते हैं। अब राइड वाला होके अभी हम दूसरों की राइड एंजॉय कर रहे हैं, क्या करें, अपनी बाइक पे तो आए नहीं है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे जर्नी के दौरान और बीच पहुँच कर। तो सनराइज़ तो थोड़ा मिस हो गया बट स्टिल वी मेड इट टू आर के बीच। और सुबह का सीन देखो बहुत बढ़िया है, स्विमिंग इज़ प्रोहिबिटेड, यहाँ पे तैरना वैरना नहीं, एंड वो सैंड इज एन अमेजिंग लोकेशन। अब ज़्यादा आगे तक तो मैं जा नहीं रहा हूँ बिकॉज मैंने पहने हैं शूज़। बीच इज़ अमेजिंग, बीच पे भी आएंगे चिल मारने, बट अभी तो नहीं लग रहा है कि मैं आ पाऊँगा। इस समय तो यही है, एंड वहाँ पे बहुत अच्छा सीन है कि वहाँ पे आप देख सकते हो। आई एम नॉट श्योर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई गेस उसी को वो डॉल्फिन नोज बोलते हैं ना, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये तो अच्छा है एंड दिस इज़ अ अमेजिंग सनराइज सीन। तो चलते हैं थोड़ा और बीच वीच के पास वगैरह, फिर देखते क्या है सीन। तो सुबह सुबह एक जगह, तो एक प्लान तो मेरा फ्लॉप हुआ बट आई गेस दिस वन इज़ सक्सेसफुल। एंड फिर यार बीच पे आके ना यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। एंड सुबह सुबह यहाँ पे एक चीज़ अच्छी मिली, यहाँ पे शायद 8 या 9 तक बाइक्स वगैरह कोई भी अलाउड नहीं है रोड पे, इट विल बी ऑल एम्प्टी, साइकिलिस्ट वॉकिंग कर रहे हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बीच के पास इंजॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली मज़े करने के लिए जगह अच्छी है। तो एक व्यू पॉइंट के पास मैं जाता हूँ और आपको व्यू के मज़े दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है।
एक्चुअली कुछ जगह पे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे स्टोन लगे हैं, स्टोन के बस जो वेव्स आ रही है ना, दैट इज़ अमेजिंग। तो वो चलते हैं और वो दिखाता हूँ, क्या मज़ा आ रही। मतलब सुबह सुबह ये जो धूप है ना, फील ही नहीं हो रही, इतनी ठंडी हवा आ रही, इतना मज़ेदार है यहाँ का व्यू। और हो, वेव्स भाई, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेट टू द डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ मैं प्लान कर रहा हूँ जाने का, वहाँ तक पहुँच गए। तो अभी वो कैलाशगिरी तो अपना, आई डोंट नो वेदर आई विल मेक इट और नॉट, क्योंकि इवनिंग में है, बट आई डोंट नो बिकॉज इवनिंग में मेरे को देखना है कि कैसे क्या अवेलेबिलिटी रहेगा। बट दिस बीच इज़ गुड। फिर यहाँ से एक फ़िश हार्बर है, तो लोग बोलते हैं कि फ़िश हार्बर बहुत अच्छा है देखने के लिए, एंड प्लस फिशेस की जो वैरायटी दिखेंगी ना इधर, आपने कहीं देखी नहीं होंगी, क्योंकि मैं बहुत पहले वाइजैक आया था तब मैंने देखा था। तो चलते हैं बीच की तरफ। वो जूते में ना मेरे में रेत घुसा रहा हूँ, मुझे ही पता है। चलो मिलते हैं थोड़ा सा आगे चल के। बीच की तरफ चलते हुए मिट्टी में से, और लहरें देख सकते हो भाई, बहुत भयंकर भयंकर लहरें हैं, और मैं मिट्टी में हिलते डुलते चल रहा हूँ। चलो पहुँचते हैं। तो हमने भैया से बात की, भैया हमारा करेंगे फ़ोटोशूट, फ़ोटोशूट नहीं, भैया हमारी फ़ोटो खींच के देंगे अच्छी सी। तो देखते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, वीडियो के बाद मैं पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, मेरे पोस्ट करूंगा फ़ोटो, देखना कैसी आई है। तो एक परफेक्ट लोकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, और पीछे की लोकेशन ऑलरेडी बहुत परफेक्ट है, हम इससे भी ज़्यादा परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहे हैं, हम फ़ोटो परफेक्ट लोकेशन के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं। तो अब ये देखो, जब सनरेज पड़ रही है ना, इट्स लाइक गोल्डन वाटर हो जा रहा है, वाटर ब्लू होता है बट अभी फील आ रही है गोल्डन वाटर वाली। बीच के पास के शॉट्स तो आपने देख लिए होंगे, अरे बहुत मेहनत लगी बनाने में, ये डंडा कैरी करना पड़ता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोपॉड, बड़ा वाला वर्जन है, अगर इससे बड़े मोनोपॉड्स नहीं होते, दिस इज़ द मैक्स साइड आई गेस 5.5 फीट के आसपास का। तो बीच का व्यू हो गया, निकलते हैं यहाँ से फिश हार्बर की तरफ, मुझे जो बताया लोकल ने कि फिश हार्बर इज़ अ गुड प्लेस टू विजिट। और मिट्टी में चलने से मेरी स्पीड फिर स्लो हो गई है, तो मैंने अपनी एक राइड बुक की है। चलते हैं फिश हार्बर की तरफ, देखते हैं सुबह सुबह क्या क्या मछली मिलती है, और उसके बाद ढूंढते हैं ब्रेकफास्ट, जो कि मेरे को अभी तक नहीं मिला है, मतलब ढूंढा नहीं है मैंने, मिलेगा तो करेंगे। अब पीछे मेरा सीन देखो तो क्या लवली लग रहा है अर्ली मॉर्निंग का। ऑफिशियली इनसाइड द फिशिंग हार्बर, और यहाँ फिश की जो वैरायटी है बहुत है, और जो स्मेल है वो भी बहुत है। मैं आपको फिशेस दिखाता हूँ। तो ये कुछ सीन है, फिश 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 फिश, चारों तरफ सिर्फ फिशेस भरे, क्रैब्स प्रॉन्स वगैरह। Gracias.
पहले यहाँ आना जाना भी थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दिस गीला गीला सा पानी, क्योंकि सब फिश बोट से आ रही हैं एंड लिटरली यहाँ पे क्या फिश की वैरायटी, लिटरली एक बेचारा क्रैब अकेला पड़ा हुआ है नीचे। एंड दिस प्लेस डेफिनेटली स्टिंक्स अ लॉट, तो जिनको फिश का स्मेल का हैबिट नहीं है प्लीज डू नॉट कम, वॉमिट कर सकते हो आप। यहाँ पर फिश की पैकिंग वैकिंग चालू है और फिश 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 चारों तरफ अपनी फिशेज ही भरी हुई है। प्लेस से थोड़ा बाहर आ गया तो सही में वो प्लेस में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्मेल है, बट हाँ जो बहुत सारी फिशेज है चारों तरफ फिश ही फिश भरी हुई है और मैं से जितना देर रुका गया, मैं से 2-3 मिनट रुका भाई नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। मतलब अपने नॉर्मल लोगों को उतनी स्मेल की आदत नहीं है, उतनी ज़्यादा है। तो और तो कुछ नहीं, अब यहाँ से रूम चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर जाएंगे अपना एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम एंड ऑल, देखते हैं क्या करेंगे इसका। तो यहाँ से एक ऐसा व्यू आ रहा है, पूरी बोट्स वगैरह हैं चारों तरफ, मछलियाँ रखी हुई है, पैकिंग हो रही है फिशेस की। और लाइक मोस्टली इंडिया में मछली जो है मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पास, और वही बंदा एंड मोस्टली फिशेस जो है यहीं से इधर से उधर जाती है इंडिया में। एक हम इधर से बोलते हैं वाइजैक की मछली और एक होती है वेस्ट बंगाल की मछली। मेरे ख्याल से साउथ इंडियन एरिया में मोस्टली यहीं से सप्लाई होता है। अरे यहाँ देखो, आई डोंट नो क्या चीज़। एंड क्रैब्स क्रैब्स क्रैब्स, हम लोग जिस क्रैब के लिए स्ट्रगल करते हैं वहाँ पे ढूंढने के लिए यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। बट दिस एरिया इज लॉट मेसी बिकॉज इसमें जो मछलियाँ आती है ना, सो तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ स्पेशल फिश हंट डाउन का। वहाँ से निकल के मैं ये लोकेशन पे आया जहाँ पे आपके सारे बोट्स वगैरह खड़े हुए हैं एंड लिटरली यहाँ थोड़े से नहीं बहुत सारे बोट्स हैं, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे बोट्स हैं, इधर भी बोट्स इधर भी बोट्स, और मतलब जहाँ एंड तक नज़र आती है वहाँ तक बोट्स हैं, लाइक आई गेस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बोट्स हैं। तो ये है अपना पूरा हार्बर का व्यू, थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा कितना। ये देखो एंड पीछे शिपिंग डॉकयार्ड है, दिस आर ऑल द फिशेस। यहाँ से यहाँ तक आप जाओगे तो चाहते हो सिर्फ फिश मिलेंगी वैरायटी की। अपना बीच जहाँ से अपन आए, अमेजिंग व्यू हर तरफ का, बट हाँ जिसको फिश की स्मेल की आदत नहीं है प्लीज़ डोंट कम हियर, बहुत ज़्यादा लगेगी। छोटी छोटी मछली देखते होंगे, मैंने यहाँ ये मछली देखी और आप लिटरली सोचो ये मेरा हाथ है और ये इतना सा ही आता है मछली के पे। उधर जाओ उधर, अच्छा टेक टेक। यहाँ देखो इतना बड़ी बड़ी फिशेज है यहाँ पे, लिटरली मेरा हाथ बहुत बड़ा है स्टिल इसके सामने इतना, और ये मछली इतनी बड़ी है मेरे हाथ के आगे। भैया कितने किलो की होगी कम से कम? 15-20 किलो की आप मछली देख रहे हो, और लिटरली छोटी नहीं है बहुत बड़ी, वीडियो में हो सकता है छोटी लग रही हो पर ये बहुत बड़ी है रियल लाइफ में। इसको आपने मैन वर्सेस वाइल्ड में देखा होगा, आई गेस ये स्टिंग रे या फ्लैट फिश कुछ तो है, एंड लिटरली देखो यार बहुत बड़ी है मछली। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत रेयरली देखते थे, लाइक आपको ये वीडियो में बहुत छोटी छोटी लगती है ना, रियल लाइफ में ये शायद 20-25 या 50 किलो की होगी। देखो वो इतनी छोटी है और ये इतनी बड़ी है कंपैरिजन में देखोगे तो, मतलब और ये सब आपको नॉर्मल जगह पे मिलेगी भी नहीं,
ये सब यहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ वो भी कुछ फिश है, मेरे को नाम नहीं पता, बट ये देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी फिश है। और इधर भी फिश है, और ऐसी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फिश मिलती है तो दिखाता हूँ। तो ये था फिशिंग हार्बर, वहाँ से निकल गया बिकॉज स्मेल बहुत ज़्यादा थी, और अभी कैसा मार्केट का टाइम हो रहा है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अभी जैसे बोलते हैं ना सी बीच के बाद मॉइस्चर होता है, अब मुझे लग रही है गर्मी एंड लिटरली अब फील हो रहा है कि हाँ यार बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड हो रही है। तो मैं भी ये कहूँगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं अपना ग्लूकॉन डी कैरी कर रहा हूँ, आपको भी सजेशन नहीं मिलेगा कैरी और होम ग्लूकॉन डी आपके लिए बेटर रहेगा। तो अपना ग्लूकॉन डी वगैरह कैरी करो, पानी पीते रहो, हाइड्रेट रहो, जैसे मैं भी अपना को हाइड्रेट रख रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। अगर पानी नहीं पी पा रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लूकॉन डी पी ले रहा, तो वो जो जितना देर पानी नहीं पिया उसको बैलेंस कर रहा है। तो इसी के साथ दास्ता है फिशिंग हार्बर या दास्ता है मछली ख़त्म हो गई। देखते हैं हम इसके बाद और कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। अब तक एंजॉय करते रहो बाकी की वीडियोस भी।